भाई भाई लड़के रहेंगे भाई भाई। केंद्र सरकार शर्म करो शर्म करो। केंद्र सरकार शर्म करो शर्म करो। केंद्र सरकार शर्म करो शर्म करो। चित्तौड़गढ़ सांसद शर्म करो शर्म करो। चित्तौड़गढ़ सांसद शर्म करो शर्म करो। चित्तौड़गढ़ सांसद शर्म करो शर्म करो। मोदी सरकार शर्म करो शर्म करो। मोदी सरकार शर्म करो शर्म करो। हमें पेंशन की चीज लेकिन यूपी पेंशन हमने 300 रुपए 800 रुपए आज 800 रुपए आपको दे देते क्या? 2 पति पत्नी हमने 800 रुपए में पूरा महीना निकालेंगे क्या? मेरे 10 लाख रुपए पेंशन पड़ गए जमा है, मुझे 2000 रुपए क्यों भाई? आज 10 लाख रुपए में मुझे 8000 कैसे पैसे मिले? ये मोदी सरकार अति के दांत की सरकार है। और सीपी जोशी साहब से हम निवेदन करना चाहते हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, खुले शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं अगर हमारा काम करेंगे तो ठीक, नहीं तो हाथ काले कपड़े पहन के आए। पर ये संसद सुनवाई केंद्र ये जो हमारे पैसों से बना हुआ, हमने नौकरी के दौरान जो टैक्स जमा कराया उससे ये जन सुनवाई केंद्र बना। ये कोई जनप्रतिनिधियों का आवास स्थान नहीं है, ये नागरिकों का, जनता का ऑफिस है। और आपको यहाँ जनता की आवाज के लिए, उनके हक के लिए नौकरी दे रखी है। हम लोग उनके जब भी कहते हैं आपको हमारा सम्मान करना चाहिए और हमारी बातों को ध्यान देना चाहिए। हम पूरी बात सुन, हम आपको फोन करते, हम आपकी बात सुने, आपको हम फोन करते हैं। जो भी वृद्ध पेंशनर, आप उनकी बातों को वेटेज दे। अगर हमारी मांगें जायज है तो निश्चित रूप से आपको हमारी बातें माननी चाहिए। अगर हम ना जाएंगे तो आप समझाओ हमारी मांगे अगर सही नहीं है तो आप हमें कन्विंस करें। आपको सबको निवेदन कर रहा हूँ, आप सबका अभिवादन कार्यक्रम सुधारने के लिए। मैं आपको यही निवेदन करता हूँ, साहब के प्रतिनिधि में हम उपस्थित है, सर स्टाफ यहाँ पर, आपका विषय साहब तक पहुँचाने का दायित्व हमारा है। हम साहब तक आपका विषय पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। आपने जो विषय कहा उसी स्वरूप में साहब को अक्षर से पहुंचाएंगे, ये निवेदन कर सकते हैं। और इतने सालों से सांसद जी के अंदर मैं कर रहा हूँ, क्या वो हमारे प्रति समर्पित है या नहीं है, ये हमें खुल के बता स्पष्ट करते हैं। के स्पष्टीकरण तो आमने सामने हो पाएगा। हाँ ठीक है, हमारा विषय है कि आप आधार है, आप सब सम्मानित व्यक्ति हैं, आप बोलिए उनको। लोग मेरा निवेदन आपसे, मेरी बात को सुन लेते हैं, आपको सुना, आप मुझे सुन लीजिए। आप सब सम्मानित हैं, आप सबका अभिवादन मेरी ओर से, कार्यालय की ओर से। आपका जो विषय है आप हमें दे दीजिए, हम निश्चित रूप से साहब तक पहुँचाएंगे, ये हमारा दायित्व है, ये कार्य मैं कर सकता हूँ। धन्यवाद। शेष कोई कार्य तो माननीय MP साहब आपके सामने जो हमने कहा वो निश्चित रूप से तक पहुँचनी चाहिए। अक्षय से माननीय सांसद जी ज्ञापन जानकारी कर दूंगा मैं। अरे मेहता जी, अरे साहब आपको